Hello everyone, welcome back to my channel English Club. This is Neelam Dhanwani. Dear students, in this video we'll do Prayas Workbook Worksheet-32. Okay, इसमें करना क्या है? Fill in the blanks with the words given in the box. यहाँ पर इस box में कुछ words दिए हुए हैं. तो इन words को हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें fill करना है. बच्चों देखिए ये words हैं किस category के? यह words prepositions हैं. क्या हैं ये? प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? वह वर्ड जो कि किसी नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है. ठीक है, कि नाउन कहाँ पर है, क्या उसकी पोजीशन है. ओके बच्चों, तो देखिए द बॉयज़ आर द क्लास. जैसा कि मैंने बताया ये प्रेपोजिशन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन क्या आ रहा है. इसमें नाउन आ रहा है बॉयज़. अब बॉयज़ की पोजीशन क्या है कि बॉयज़ कहाँ पर हैं? द क्लास. क्लास में क्या हो जाएगा? क्लास में. पहले हम देख लेते हैं ओवर. ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर बिना टच किए. ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन मैंने बताया था कि वो सरफेस को टच करता है. लेकिन ओवर ऐसे होता है, जैसे ये मेरा हैंड है, माई राइट हैंड इज़ ओवर माई लेफ्ट हैंड. ये मेरा राइट हैंड है. ठीक है, तो ये ऑन नहीं है, ये ओवर है, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा. ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है इनटू. इनटू होता है किसी कहीं पर अंदर जाना, गति करके अंदर जाना. कोई भी वस्तु है या कोई भी पर्सन है, बाहर से किसी चीज़ के अंदर जा रहा है, तो वो गति हुई बाहर से अंदर जाने की जो पोजीशन होती है उसको हम इनटू बोलते हैं. इन होता है अंदर, जो ऑलरेडी अंदर है. ठीक है, जैसे आई एम इन द रूम. मैं कहाँ हूँ? मैं रूम में हूँ. ठीक है, और यदि मैं ऐसे बोलती हूँ आई एम कमिंग इन टू द रूम, मैं रूम में आ रही हूँ, बाहर से आ रही हूँ. फिर है आफ्टर. आफ्टर यानी पीछे या बाद में. फिर होता है अंडर. अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे की साइड. ठीक है, द बॉयज़ आर द क्लास. बॉयज़ कहाँ हैं? क्लास में. तो ऑलरेडी अंदर है, तो क्या आ जाएगा? इन. द बॉयज़ आर इन द क्लास. कौन सी प्रेपोजिशन आ जाएगी? इन. द हॉर्स इज जंपिंग द वॉल. जो हॉर्स है वह जंप कर रहा है. जंपिंग द, मान लो ये वॉल है, जंपिंग द वॉल, तो ये क्या कर रहा है? ओवर. ठीक है, ऊपर से जंप करेगा. जो घोड़ा है वह दीवार के ऊपर से जंप कर रहा है. द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द वॉल. क्या हो जाएगा इसमें? ओवर. नेक्स्ट इज द डॉग इज रनिंग द कैट. जो डॉग है वह भाग रहा है कैट के पीछे. तो यानी कि क्या कर देंगे हम पीछे के लिए? आफ्टर. द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. राधा इज पुटिंग हर बुक्स हर बैग. पुटिंग यानी रख रही है. राधा अपनी पुस्तकें रख रही है बैग में, यानी कि वह क्या कर रही है? क्रिया कर रही है बुक्स को अंदर रखने की, बाहर से अंदर रखने के लिए. इसलिए मैंने क्या बताया था, कोई भी वस्तु बाहर से अंदर जा रही है तो उसमें इनटू प्रेपोजिशन आता है. राधा इज पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग. इनटू हर बैग. द डॉग इज सिटिंग द कार. आपने देखा होगा मोस्टली कि कई सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो अक्सर कुत्ते गाड़ियों के नीचे जाके बैठ जाते हैं. तो डॉग कहाँ बैठा है? डॉग कार के नीचे बैठा है. नीचे के लिए क्या कर देंगे हम? अंडर. द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रेपोजिशंस. ठीक है, द कैट जम्प्ड द रिवर. मैंने आपको बताया था अभी अभी, अगर कोई बाहर से अंदर जा रहा है या कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर रखा जाती है, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन रखते हैं? इन नहीं लगाकर हम इनटू लगाते हैं. देखिए, द कैट जंप्ड. कैट ने जंप किया, कूदा द रिवर, नदी में, यानी कि बाहर से नदी के अंदर गई. तो क्या करेंगे? द कैट जंप्ड इनटू द रिवर. इनटू द रिवर. मीना इज सिटिंग द बेड. मीना बैठी है बेड के नीचे की बेड पर. बेड के ऊपर ना, तो कहाँ बैठते हैं जनरली? बेड के नीचे बैठते हैं या बेड के ऊपर? ऊपर बैठते हैं. इसलिए हम क्या कर देंगे? ऑन. क्या कर देंगे यहाँ पर?
on. Meena is sitting on the bed. Meena bed par baithi hai. She is sleeping a tree. Vah so rahi hai. Tree. Under a tree or under in a tree. Under yani to niche, ped ke niche. Aur in yani under ped ke under to koi nahi so sakta. Isli kya kar denge? She is sleeping under the tree. She is sleeping under a tree. Vah ek ped ke niche so rahi hai. Beena is standing the bus stop. Beena bus stop par khadi hai. Bus stop ke upar khadi hai ya bus stop par khadi hai? Kisi bhi place ko show karne ke liye hum concept preposition use karte hai at. To kya kar denge? Beena is standing at the bus stop. At. Monday comes Sunday. Monday kab aata hai? Monday Sunday ke baad aata hai. Isliye hum kya kar denge yahan par? After. Monday comes after Sunday. Monday Sunday ke baad aata hai.